नमस्कार, आज हम लोग प्रश्नावली 5.2 करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। 5.2 में पहला प्रश्न है, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए, सार्वंतर डी, एनवा पद एन है। ठीक ना, देखिए प्रश्न नंबर एक में खाली स्थान है, तो देखिए पहला भाग में है। देखिए ए बराबर 7 दिया हुआ है, ए बराबर 7 और डी बराबर 3 और एन बराबर 8, तो हमको ए एन ज्ञात करना है। ठीक ना, तो ए एन ज्ञात करना है, तो इसके लिए सूत्र होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक ना, तो इसमें ये क्या चीज़ होता है देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए ए एन क्या होता है, एनवा पद होता है ये। ठीक ना, और ए क्या है, प्रथम पद, प्रथम पद। एन है पदों की संख्या, पदों की संख्या, और डी है सार्वंतर। ठीक ना, तो इसमें जिसका मान दिया हो उसको रख लेंगे। देखिए ए एन ज्ञात करना है, ए का मान 7 है तो 7 रख लेंगे, और एन का मान 8 है और डी का मान 3 है, तो इसको हल करेंगे। अब 8 में 1 गया, 7 गुणे 3, 7 3 21, और 21 और 7 28। इस प्रकार ये आंसर आ गया। दूसरे भाग को देखते हैं क्या दिया इसमें। इसमें a बराबर -18 है, a बराबर -18, d का मान ज्ञात करना है और n का मान 10 दिया हुआ है और एनवा पद 0 है, एनवा पद 0 है और d का मान ज्ञात करना है। ठीक ना, तो यही सूत्र लगाएंगे ऊपर में जो लगाया है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 डी। तो एनवा पद देखिए यहाँ 0 है तो 0 रख लिया, a बराबर -18 प्लस n है 10 माइनस 1 और d। तो देखिए ये माइनस में है, इधर पक्षांतर कर देंगे तो माइनस का प्लस हो जाएगा, बराबर 10 में से 1 गया 9, और 9 को नीचे पक्षांतर कर देंगे तो आ जाएगा 18/9, 9 1 9 9 2 18। तो इस प्रकार सार्वंतर का मान 2 प्राप्त हो गया। तीसरा भाग देखते हैं, तो तीसरा भाग में है, इसमें a ज्ञात करना है, d बराबर -3 दिया हुआ है, n बराबर 18 और an दिया है -5, an दिया है -5 और इसमें ज्ञात करना था a, तो a का मान ज्ञात करना है। यही सूत्र लगाएंगे, an बराबर a प्लस n माइनस 1 डी। तो an है -5, a का मान ज्ञात करना है, n का मान 18 दिया हुआ है, -1 और d का मान -3 है। ठीक ना, अब इसको हल कर लेते हैं। -5 बराबर a प्लस 18 में 1 गया, 17 गुणे -3, -5 बराबर a प्लस 17 का 3 में गुणा कर लेंगे, 17 51, ये हो गया 51। ठीक ना, और इसको इधर पक्षांतर कर लेंगे या इसको उधर कर लेंगे, देखिए -5 इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो +5 51 a, तो कितना आ गया ये, a बराबर 51 में 5 गया तो 46। ठीक ना, तो a बराबर 46 प्राप्त हो गया।
अब चौथा प्रश्न देखते हैं इसका। चौथा में दिया है ए बराबर -18.9 और डी बराबर 2.5। यन का मान ज्ञात करना है और एनवां पद दिया है 3.6, 2.5, ठीक ना, और यन का मान ज्ञात करना है। ठीक, ये यन का मान ज्ञात करना है, ठीक है। और फॉर्मूला लिखेंगे ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन डी। तो यनवा पद क्या है 3.6 बराबर ए का मान -18.9 प्लस एन माइनस वन और डी का मान 2.5। इसको हल कर लेते हैं। देखिए इसको इधर पक्षांतर कर देंगे तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो 3.6 प्लस 18.9 बराबर एन माइनस वन गुणे 2.5। इनको जोड़ लेते हैं 9, 6, 15 हासिल 1, 8, 3, 11 1, 12 और 1, 1, 2 22.5। ये आ गया एन माइनस वन गुणे 2.5। 2.5 को नीचे पक्षांतर करेंगे, गुणे में है तो भाग में चला जाएगा, तो 22.5 बटे 2.5 बराबर एन माइनस वन। देखिए अंश और हर में 0.1 स्थान के बाद लगा हुआ है, ठीक ना, एक स्थान 5 के बाद इधर इधर, ठीक ना। तो एक स्थान के बाद 0.1 नीचे भी है और एक स्थान के बाद 0.1 ऊपर भी है, तो 0.1 को हटा सकते हैं। तो ये हो गया 225/25 और एन माइनस वन, तो 25 के पहाड़ा से 9 बार में ये कट जाएगा, ठीक ना। 25, 8, 200 होता है, 25, 9, 225 हो गया। अभी इस माइनस वन को इधर पक्षांतर कर देंगे तो हो जाएगा 9+1 बराबर ये 10 हो गया, ठीक ना। तो अगला भाग देखते हैं इसका, यही देखते हैं इसका, ये है पांचवा भाग। देखिए पांचवा भाग में क्या है, ए बराबर 3.5, डी बराबर 0 और एन बराबर 105 और ए एन पद ज्ञात करना है। तो लिखेंगे ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन डी। तो ए एन कितना दिया है ज्ञात करना है, ए का मान 3.5 और ये 105 माइनस 1 और डी का मान 0 है। तो ये हो गया 3.5, इसका एक घटेगा तो 104 गुणे 0, तो संख्या में 0 में गुणा करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। इस प्रकार एनवा पद 3.5 प्राप्त हो गया। तो प्रश्न नंबर 1 के सभी भाग हो गए। अब प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। अब प्रश्न 2 में लिखा है निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए, ठीक ना, बहुविकल्पी प्रश्न है। तो प्रश्न नंबर 2 में पहला है, देखिए इसमें एक एपी दिया हुआ है, एपी दिया है 10, 7, 4 का। देखिए हमको 30वां पद ज्ञात करना है, 30वां पद है, ठीक ना, इसमें विकल्प दिया हुआ है तो हम इसको हल करते हैं। पहले देखिए पहला पद क्या हो जाएगा 10, ठीक ना, ये पहला पद है और सार्वंतर क्या होगा 7 - 10। अगले पद में से पहले पद को माइनस करेंगे, ठीक ना, तो ये हो गया 7 में से 10 गया तो -3, ये हो गया ए और डी प्राप्त हुआ। इस प्रकार अब 10वां 30वां पद ज्ञात करना है तो लिखते हैं, पहले फॉर्मूला लिख देते हैं। एनवा पद का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन डी, इसमें हम 30 रख देंगे एन के स्थान पर, तो ए 30 बराबर ए का मान कितना है 10 प्लस बराबर ये एन बराबर 30 माइनस 1 और डी का मान -3, तो ये 10 हो गया
तीस में एक गया, 29 गुणे माइनस 3, इसका गुणा कर लेते हैं तो 9 3 9 27, 3 2 6 7 1 8, और एक माइनस में था तो माइनस लिख लिया। ये माइनस करेंगे, देखिए छोटी संख्या से बड़ी संख्या घटाएंगे तो माइनस में आएगा, और घटाने के बाद देखिए 87 में ये 77 आ गया, ठीक ना। तो इसमें विकल्प दिया हुआ है माइनस 77, ठीक ना, सी विकल्प में दिया हुआ है, इसका विकल्प सी वाला सही हो जाएगा। फिर इसी प्रकार एक प्रश्न और दिया इसमें, तो देखते हैं इसको। देखिए लिखा है इसमें भी एक एपी दिया हुआ है, एपी दिखा है माइनस 3 माइनस 1/2, 2, ठीक ना, का क्या निकालना है, 11वां पद निकालना है, ठीक ना। तो 11वां पद देखिए, देखते हैं कैसे निकलेगा। देखिए पहला पद क्या हो गया, माइनस 3, और डी क्या हो गया, देखिए ये ए वन कहलाता है, ये ए टू कहलाता है, ठीक ना। तो हम यहाँ पर ए टू माइनस ए वन भी लिख सकते हैं। तो ए टू कितना है, माइनस 1/2 माइनस, अब ये माइनस 3 है तो ये माइनस 3 ऐसे लिख लिया, माइनस 1/2, 2 माइनस मिलकर प्लस हो गया, ठीक ना। तो ये हो जाएगा माइनस 1 2 3 6/2, तो 6 में 1 गया, 5/2, तो सार्वंतर प्राप्त हुआ 5/2। हमको 11वां पद ज्ञात करना है तो 11वां पद लिख लेते हैं, पहले पूरा सूत्र लिख लेते हैं, an बराबर a प्लस n माइनस 1d, ठीक ना। तो 11वां पद ज्ञात करना है तो n का मान 11 रख देते हैं, तो 11 और प्रथम पद कितना दिया है, माइनस 3 प्लस ये 11 माइनस 1, और सार्वंतर 5/2 प्राप्त हुआ है, तो ये हो गया माइनस 3 और 10 में से 1, 11 में से 1 गया 10, और ये 5/2 है, 2 1 2 2 5 10, 5 5 25, तो 25 में 3 गया तो 22 प्राप्त हुआ, तो 11वां पद क्या होगा, 22, बी विकल्प है इसका, ठीक ना, 22। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर 2 के दोनों विकल्प, दोनों प्रश्न हो गए। अब प्रश्न नंबर 3 करते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 3 में निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए, ठीक ना। तो प्रश्न नंबर 3 का पहला देखते हैं। देखिए इसमें लिखा है 2, और यहाँ एक बॉक्स बना है, यहाँ पर क्या आएगा उसी को ज्ञात करना है, और ये 26, ठीक ना। तो इसको करेंगे, देखिए ये है ए वन, ये पहला पद है तो इसको ए वन लिखते हैं, या इसको ए भी लिखते हैं, ये ए टू है और ये ए थ्री है, इसका मतलब हमको दूसरा पद ज्ञात करना है। तो देखिए इसमें ए बराबर क्या है, ये पहला पद है तो ये 2 प्राप्त हो गया, ठीक ना। और ए थ्री कितना दिया है, 26 दिया हुआ है, ठीक ना। और हम जानते हैं फॉर्मूला लिख लेते हैं, देखिए फॉर्मूला लिखें, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1d, ये सूत्र हमको मालूम है। इसमें ए एनवा पद देखिए ए थ्री का मान दिया हुआ है, लिखेंगे ए थ्री बराबर ए 2 प्लस यहाँ 3 रखेंगे, क्योंकि ये 3 दिया हुआ है, एनवा पद तीसरा पद का मान दिया हुआ है, तो एन का मान 3 रख लिया, और यहाँ डी ज्ञात करेंगे। तो ए थ्री कितना दिया हुआ है, 26 बराबर 2 प्लस 3 में 1 गया 2d, 2 को इधर पक्षांतर कर लेते हैं तो 26 में से 2 पक माइनस करेंगे बराबर 2d, तो ये 26 में 2 गया तो 24, और ये 2 नीचे भाग में चला जाएगा बराबर d, तो d का मान कितना आया, 2 1 2, ये आ गया 12, ठीक ना। अब हमको दूसरा पद ज्ञात करना है तो लिखेंगे ए टू बराबर, पहले ये वाला फॉर्मूला लिख लेते हैं, मानक समी फॉर्मूला जो होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1d, इसमें दूसरा पद है ए टू, तो यहाँ लिखेंगे ए टू बराबर ए का मान कितना है, 2,
और n का मान 2 माइनस 1 और d कितना प्राप्त हुआ है, ये 12 प्राप्त हुआ है बराबर 2 प्लस 2 में 1 गया 1 गुणे 12 बराबर 12 एकम 12 13 14, तो ये 14 प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर हम 14 लिख देंगे इसको, तो ये 14 प्राप्त हो गया, ठीक ना। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन भी एक देखते हैं। इसमें पहला स्थान पे बॉक्स बना हुआ है, फिर 13, फिर बॉक्स, फिर 3, ठीक। तो इसमें क्या क्या दिया हुआ है देखिए, ये है A1 पद, A1, ये A2, ये A3 और ये A4, ठीक ना। तो इसको हल करते हैं। देखिए A2 दिया हुआ है, A2 बराबर 13। तो देखिए दूसरा पद कैसे लिखते हैं हम लोग, इसको लिख सकते हैं A प्लस D बराबर 13, ठीक ना। दूसरे पद को A प्लस D लिखते हैं, जैसे एक बार फिर देखते हैं इसको। देखिए मानक समीकरण क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म है An बराबर A प्लस N माइनस 1D, ठीक ना। तो अगर हम यहाँ पर A1 रखें, अगर पहला पद ज्ञात करना हो तो देखिए N बराबर 1 रखते हैं, तो देखिए क्या आएगा, जहाँ जहाँ N है वहाँ वहाँ 1 रख देते हैं। तो A1 बराबर A प्लस 1 का मान यहाँ 1 रख देंगे, 1 में से 1, तो ये हो गया 1 में से 1 गया 0D, तो 0D मतलब 0 हो गया वो, तो पूरा ये हट जाएगा। तो ये A1 बराबर A ही प्राप्त हुआ, ठीक ना। इसलिए प्रथम A1 को A बोलते हैं। फिर अगर दूसरा पद ज्ञात करना हो तो N का मान 2 रख के देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे 2 रखेंगे तो A2 बराबर A प्लस N का मान 2 रख देंगे माइनस 1D, देखिए क्या प्राप्त हुआ, 2 में से 1 गया 1, तो 1D, तो ये हो गया A2 का मान कितना आया, A प्लस D। एक बार और 3 मान रख लेते हैं, तो अगर तीन अगर किसी का तीसरा पद ज्ञात करना हो तो देखिए A का मान 3 रख देते हैं बराबर A प्लस N का मान कितना है 3 माइनस 1 और D, तो ये हो गया A प्लस 3 में से 1 गया 2D, तो देखिए A3 आया। देखिए इसमें क्या पैटर्न है, अगर मुझे तीसरा पद ज्ञात करना हो तो लिख सकता हूँ A प्लस 2D, मतलब तीसरा है तो एक कम D लिखना है तो 2D हो गया। अगर दूसरा पद ज्ञात करना हो तो A प्लस 1D, ठीक ना, तो 1D है तो A प्लस D है ना, 2 है तो एक कम D है यहाँ पर, इसी प्रकार 1 है तो 0 खत्म, ये गायब ही हो गया D, ठीक ना। इसी प्रकार अगर मुझे 25वां पद ज्ञात करना होता तो 25वां पद करने के लिए क्या लिखें, A प्लस 25 है तो एक कम D लिखेंगे, तो मतलब इसी प्रकार अगर 25वां पद ज्ञात करना हो तो हम लिख सकते हैं A प्लस एक कम D, है ना, 25 का 24D लिख सकते हैं, ठीक ना। इसी प्रकार आप देखिए A2 का पद दिया हुआ है तो लिखेंगे A प्लस D, ठीक ना, बराबर 13, समीकरण 1 डाल लेंगे। और फिर वहाँ लिखा है A4 बराबर 3 दिया हुआ है, तो इसको लिख सकते हैं A प्लस 3D, ठीक ना, एक कम D बराबर 3, समीकरण 2। अब इन दोनों समीकरण को लेकर विलोपन विधि का प्रयोग करके इसको मान ज्ञात कर लेंगे, तो इसको लिख लेते हैं A प्लस 3D बराबर 3, समीकरण 2, A प्लस D बराबर 13, समीकरण 1। इसको घटा देंगे तो लिखते हैं घटाने पर, तो घटाने पर चिन्ह बदल जाता है, तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस, तो ये कैंसिल, 3 में से 1 गया 2 और 3 में 13 गया माइनस 10, D बराबर माइनस 10 बटे 2, तो 2 पंचे 10, तो D बराबर माइनस 5 आ गया, ठीक ना। अब इसका मान समीकरण 1 में रख देंगे तो A का मान भी ज्ञात हो जाएगा, तो इसका मान समीकरण 1 में रख देंगे D बराबर माइनस 5, समीकरण 1 में रखने पर,
तो एक पर रख देंगे तो ये रहा ए, ए प्लस डी बराबर 13, तो डी का मान माइनस पाँच, तो ए बराबर हो गया 13, माइनस पाँच पक्षांतर होगा तो प्लस पाँच, तो ये हो गया 13 5 18, तो ए का भी मान आ गया और डी का भी मान आ गया, इससे हम ए तो ये प्राप्त हो गया, ए थ्री निकाल लेते हैं, तो ए थ्री क्या हो जाएगा, ए प्लस 2d, ठीक ना, एक कम d होता है, a का मान 18 प्लस 2 गुणे डी का मान माइनस 5 है, तो हो गया 18, 5 दुनी 10, तो इसका मतलब 18 में 10 गया तो 8, तो इस प्रकार मान ज्ञात हो गया, तो a1 या a कितना है 18 और a3 कितना है 8। अब तीसरा भाग देखते हैं, तीसरे का तीसरा भाग, तीसरे भाग में दिया है 5, फिर खाली स्थान है, फिर खाली स्थान है, फिर 9 सही 1/2। देखिए यहाँ पर ये A1 है, ये A2, ये A3 और ये A4, ठीक ना, A1 बराबर A, मतलब A का मान कितना हुआ 5, और हमको A2 और A3 है ना, दूसरा और तीसरा पद ज्ञात करना है, A4 भी दिया हुआ है, A4 बराबर 9 सही 1/2, मतलब ये हो गया 2 9 18 1 19 19/2 दिया हुआ है, और हम जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है n-वां पद ज्ञात करने का, an बराबर a प्लस n माइनस 1 d, तो हमको चौथा पद दिया है तो n का मान 4 रख लेंगे, तो a4 बराबर a प्लस यहाँ 4 रख देंगे माइनस 1 और d का मान ज्ञात करेंगे, तो a4 कितना दिया है 19/9 बराबर a का मान कितना है 5 प्लस 4 में से 1 गया 3 और ये d है 19/2, 5 को पक्षांतर कर लेंगे तो माइनस 5 बराबर 3d। देखिए 5 दूनी 10 पूरे 1/2 बराबर 3d, 19 में 10 गया 9/2 बराबर 3d, तो d का मान कितना आएगा, 3 भी नीचे पक्षांतर हो जाएगा, तो d बराबर 9/2 गुणे 3, ठीक ना, 3 भी नीचे पक्षांतर हो गया, 3 1 3 3 3 9 बराबर 3/2, ठीक ना, d का मान ये प्राप्त हो गया। अब हमको a2 और a3 ज्ञात करना है, तो a2 को लिख सकते हैं a प्लस d, ठीक ना, तो a का मान प्राप्त हुआ है 5 और d का मान प्राप्त हुआ है 3/2, तो इसको लिख सकते हैं 2 5 10 और 3 13/2, ठीक ना, 2 5 10 10 3 13 13/2। अब देखिए इसको संयुक्त भिन्न में भी बदल सकते हैं, तो देखिए संयुक्त भिन्न में ऐसे बदलते हैं 2 और 13, तो 2 6 12 और 1 13, तो संयुक्त भिन्न में आ जाएगा 6 सही 1/2, ठीक ना, भागफल यहाँ लिखा जाता है, शेषफल ऊपर, और जो भाजक है उसको यहाँ लिखते हैं, तो 2 6 12 1 13। इसी प्रकार a4 a3 ज्ञात कर लेते हैं, तो a3 कितना है a प्लस 2d, है ना, एक कम d, इस फॉर्म में भी लिखते हैं इसको, a बराबर 5 प्राप्त हुआ है और d का मान कितना है, d का मान 3/2 है, 2 1 2 2 1 2, तो 5 + 3, तो 5 3 8, इस प्रकार a3 और a2 ज्ञात हो गया, तो यहाँ लिख देते हैं इसको, a2 कितना है 6 सही 1/2 और 8 प्राप्त हुआ है a3, ठीक ना, तो ये तीसरा भाग हो गया। चौथा भाग देखते हैं, अब देखिए चौथा भाग है -4, फिर 4 बॉक्स दिया हुआ है, 1 2 3 और 4 और फिर 6, ठीक ना, 1 2 3 4 -6 और
छः माइनस चार और छः दिया हुआ है, तो इसको भी ए वन ए टू लिख लेते हैं। ये है ए, ए या ए वन, इसको ए टू, ये ए थ्री, ये ए फोर, ये ए फाइव और ये ए सिक्स दिया हुआ है। तो इसमें ए का मान दिया हुआ है माइनस चार, ए बराबर माइनस चार और ए सिक्स दिया हुआ है, ए सिक्स बराबर सिक्स ही दिया हुआ है। तो इसको कैसे लिखते हैं, देखिए हम ये हमको सूत्र क्या मालूम है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन डी, ठीक ना। तो एनवा पद देखिए सिक्स दिया हुआ है तो सिक्स रख लेते हैं, सिक्स और प्रथम पद माइनस चार प्लस यहाँ एन का मान सिक्स माइनस वन, ये डी हो गया। तो ए सिक्स भी सिक्स दिया हुआ है बराबर माइनस चार, छः में एक गया पाँच डी, चार माइनस चार को पक्षांतर करेंगे तो प्लस चार हो जाएगा बराबर फाइव डी, छः चार दस और ये पाँच भी नीचे पक्षांतर हो जाएगा बराबर डी। तो डी का मान कितना आ गया, पाँच एक कम पाँच दूनी दस, तो डी का मान दो प्राप्त हो गया। तो देखिए ए का मान और डी का मान प्राप्त हो गया, तो हम ए टू ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए ए टू क्या होता है, ए प्लस डी, तो ए का मान कितना होगा माइनस चार और डी का मान कितना है दो, तो ये हो गया चार माइनस दो प्लस दो तो जाएगा माइनस टू। फिर ए थ्री कितना हो जाएगा, ए थ्री बराबर ए प्लस टू डी, ए का मान माइनस चार प्लस दो गुणे डी का मान कितना प्राप्त हुआ है दो, तो इसको हल करेंगे तो माइनस चार दो दूनी चार, चार में चार गया शून्य। फिर ए फोर कितना है, ए फोर प्राप्त ये हो जाएगा ए प्लस थ्री डी, ठीक ना, फोर है तो एक कम डी यहाँ आता है, तो ए का मान माइनस चार और तीन डी का मान दो है, तो माइनस चार और तीन दूनी छः, तो छः में चार गया दो। इसी प्रकार एक ए फाइव भी ज्ञात कर लेते हैं, ए फाइव बराबर ए प्लस फोर डी, ए का मान माइनस चार प्लस चार गुणे डी का मान दो, माइनस चार चार दूनी आठ, तो आठ में चार गया तो चार प्राप्त हुआ। तो ये हमको मान ज्ञात हो गया, ए टू कितना है माइनस टू और ए थ्री कितना है शून्य और ए फोर टू और ये फोर दिया हुआ है, ठीक ना। तो इस प्रकार ये मान ज्ञात हो गया। एक अंतिम भाग दिया है उसको देख लेते हैं, तीसरे का पांचवा प्रश्न नंबर तीन का पांचवा, पांचवा में पहले स्थान पर ये बॉक्स है, फिर 38, फिर दो बॉक्स है, एक और दो तीन, एक और दिया हुआ है और माइनस 22, ठीक ना, 38 और माइनस 22। तो देखते हैं इसमें, देखिए ये रहा ए वन, ए वन या ए, ए वन, ये ए टू, ये ए थ्री, ये ए फोर, ए फाइव और ए सिक्स। तो ए टू दिया है, ए टू बराबर 38, ठीक ना। तो हमको सूत्र क्या मालूम है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन डी, ठीक ना। तो यहाँ मान रख लेते हैं, टू रखना है पहले, तो ए टू बराबर यहाँ टू माइनस वन डी, तो ए टू का मान कितना हो गया 38, ए प्लस दो में एक गया तो एक, तो ए प्लस डी बराबर 38। इसी प्रकार ए सिक्स दिया हुआ है, ए सिक्स लिख लेते हैं यहाँ पर, ए सिक्स बराबर माइनस 22। तो इसमें भी सूत्र होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन डी, तो ए सिक्स, सिक्स चाहिए, एन का मान सिक्स रख लिया, ए प्लस यहाँ सिक्स माइनस वन डी, तो जाएगा ए सिक्स का मान माइनस 22 दिया हुआ है, तो माइनस 22 बराबर ए प्लस छः में एक गया पाँच डी, समीकरण दो हो गया। इन दोनों समीकरण को विलोपन विधि से हल करेंगे और एक और डी का मान ज्ञात करेंगे। यहाँ लिख लेते हैं, पहला समीकरण है ए प्लस डी
ए प्लस डी बराबर 38 और ए प्लस 5D बराबर -22 समीकरण दो, इसको घटा देंगे तो यहाँ लिखते हैं घटाने पर पहले समीकरण में से दूसरे समीकरण को माइनस कर रहे हैं तो देखिए चिन्ह बदल जाएगा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो ये तो कैंसिल हो गया और ये एक में से पाँच गया, ठीक ना, ये माइनस फाइव हो गया, यहाँ वन होता है तो एक में से पाँच गया, वन माइनस फाइव, ठीक ना, तो ये जाएगा माइनस फोर और ये जुड़ जाएगा 8 2 10 3 2 5 1 6 तो d का मान आ गया 60/-4 तो ये कटेगा तो 15 आ गया तो d का मान -15 तो d का मान -15 आ गया। d का मान समीकरण एक में रख देंगे तो d का मान समीकरण एक में रखने पर तो एक में रख देंगे तो देखिए a प्लस डी लिखा हुआ है, ए प्लस डी बराबर 38 तो ए का मान निकाल लेंगे यहाँ से, डी है -15 बराबर 38, ए बराबर 38 माइनस को प्लस पक्षांतर करेंगे -15 को तो +15 हो गया, 8 5 13 हासिल 1 3 4 1 5 53 आ गया। ए का और डी का मान ज्ञात हो गया तो हम यहाँ पर रख लेंगे, देखिए a1 ज्ञात करना है तो a1 ए ही होता है, इस प्रकार ये 53 आ गया। a3 ज्ञात कर लेते हैं यहाँ पर यहाँ a3 ज्ञात कर लेते हैं, देखिए a3 क्या हो जाएगा a प्लस 2d तो a का मान कितना है, a का मान 53 है प्लस 2 × d का मान कितना है -15 तो ये हो गया 53 और 15 × 2 = 30 तो इसको घटाएंगे तो 23 आ गया, ठीक ना। फिर a4 ज्ञात करना है तो a4 ज्ञात कर लेते हैं a प्लस 3d तो a का मान 53 प्लस 3 × -15 तो ये हो गया 53, 15 × 3 = 45 तो ये हो गया 8, ठीक ना, 53 में 45 गया तो 8 आ गया। इसी प्रकार a5 भी ज्ञात कर लेते हैं तो a5 बराबर a प्लस 4d तो हो गया 53 प्लस 4 × -15 तो हो गया 53, 15 × 4 = 60 तो माइनस, छोटी संख्या से बड़ी संख्या घट रही है तो माइनस में आ जाएगा और घटाएंगे तो ये 7 प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार हमको मान प्राप्त हो गया a1 मतलब a कितना है 53 है, a3 कितना है 23 में है और ये 8 है और ये -7 है। अब प्रश्न नंबर 4 देखते हैं तो प्रश्न नंबर 4 में है, इसमें लिखा है एक AP दिया हुआ है, तो एक AP है तो लिख लेते हैं इसको, AP कितना दिया है 3 8 13 18 बोलता है कौन सा पद 78 है तो हम पहले a मान निकाल लेते हैं, प्रथम पद है ये a बराबर 3 और सार्व अंतर कितना है तो इसको क्या करेंगे a2 - a1 कर लेंगे तो a2 - a1 तो जाएगा 8 - 3 = 5 तो a और d ज्ञात हो गया। बोलता है कौन सा पद 78 है तो लिखेंगे माना AP का nवां पद 78 है, ठीक ना, तो 78 है, इसको हल कर लेते हैं। nवां पद का मतलब nवां पद an बराबर 78 हो गया, ठीक ना, nवां पद ऐसे लिखा जाता है और फॉर्मूला क्या होता है an का a प्लस n - 1d बराबर 78 तो a का मान 3 है 3 रख देते हैं और d का मान है 5 तो 5 रख लेते हैं, 3 पक्षांतर करेंगे तो जाएगा n - 1 /
5 बराबर 78 माइनस 3, इधर का इधर पक्षांतर हुआ तो माइनस में हो गया, n माइनस 1 गुणे 5 बराबर 78 में 3 गया 75, 5 गुणे में है तो पक्षांतर करेंगे तो भाग में हो जाएगा, तो n माइनस 1 बराबर 75 बटे 5, तो ये कटेगा 15 के पहाड़ा से, ठीक ना, 15 बार में कट जाएगा, तो ये हो जाएगा n बराबर 15, ये माइनस 1 पक्षांतर होगा तो प्लस 1 हो गया, मतलब 16। तो अतः एपी का 16वां पद 78 है, ठीक ना, 78 है। तो प्रश्न नंबर 4 हो गया, यही प्रश्न नंबर 5 देख लेते हैं। तो प्रश्न नंबर 5 क्या है, इसमें लिखा है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं, ठीक ना, इसमें पदों की संख्या ज्ञात करनी है। तो पहला भाग देखते हैं कि 7, 13, 19 और ये 205, ठीक ना, ये अंतिम पद दिया हुआ है 205, ठीक ना। तो प्रथम पद कितना होगा, प्रथम पद a बराबर 7, सार्व अंतर ज्ञात कर लेते हैं, सार्व अंतर d बराबर a2 माइनस a1, ठीक ना, ये a1 है, ये a2 है, ये a3 है, ऐसे है, ठीक ना। तो a2 कितना है, 13 माइनस 7, तो ये हो गया 6। तो प्रथम पद और सार्व अंतर ज्ञात कर लिया। देखिए जब भी कभी एपी प्राप्त मिले तो सबसे पहले प्रथम पद और सार्व अंतर ज्ञात करके लिख लेना चाहिए। अब बोलते हैं पदों की संख्या, आप लिखते हैं माना एपी में यन पद हैं, ठीक ना, यन पद ले लिया। अब फॉर्मूला लिख लेते हैं, यनवा पद क्या होता है, देखिए इसमें ए यनवा दिया हुआ है, ठीक ना, यनवा पद 205 दिया हुआ है। तो फॉर्मूला होता है एन का, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन डी। तो देखिए एनवा कितना है, 205, तो लिखेंगे 205 बराबर ए का प्रथम पद 7 और एन माइनस वन और डी का मान 6 हो गया। तो इसको अंदर पक्षांतर कर लेंगे तो माइनस में जाएगा, 205 माइनस 7 बराबर एन माइनस वन गुणे 6, और इसमें 7 घटा देंगे तो 5 घटेगा तो 200 बचेगा, फिर 2 घटेगा तो 198 आ गया, और ये 2 गुणे में 6 है तो भाग में 6 हो जाएगा, ठीक ना। इसको काटेंगे, 6 कम 6, 6 त्रिक 18, 6 त्रिक 18। अब ये माइनस 1 पक्षांतर कर लेंगे तो n बराबर 33 प्लस 1, माइनस 1 इधर पक्षांतर हुआ तो 33 प्लस 1, तो ये हो गया 34। तो अतः कुल एपी में कुल 34 पद हैं, अतः एपी में कुल 34 पद हैं, ठीक ना, पदों की संख्या मतलब यन ज्ञात करना था। यही इसका दूसरा भाग कर लेते हैं, दूसरा भाग देखिए इसमें लिखा है दूसरी 18, 15 सही 1 बटे 2, 13 और ये माइनस 47। तो इसमें लिखिए प्रथम पद कितना है, प्रथम पद a बराबर 18 और सार्वंतर d बराबर, देखिए a2 माइनस a1, ठीक ना, a1 a2 a3, ठीक, तो a2 कितना है, 15 सही 1 बटे 2 माइनस 18, ठीक ना। इसको साधारण भिन्न में बदल लेंगे तो 15 दूनी 30 एक 31, 31 बटे 2 माइनस 18, तो ये हो गया 31, 18 दूनी 36 बटे 2, ठीक ना, 18 दूनी 36 हो गया, 31 में 36 गया तो माइनस 5 बटे 2, छोटे से बड़ा घट रहा है तो माइनस में आ गया, और 36 में 31 गया तो 5 आ गया। इस प्रकार प्रथम पद और सार्व अंतर ज्ञात कर लिया। ये एनवा पद दिया हुआ है तो लिखेंगे ए एन बराबर माइनस
47। अब लिखेंगे माना दिए गए एपी में, दिए गए एपी में एन पद हैं, ठीक ना। तो फॉर्मूला होता है एनवा पद ज्ञात करने का, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन डी, ठीक ना। तो एनवा पद कितना दिया है, माइनस 47, तो माइनस 47 बराबर ए का मान 18 है प्लस एन माइनस वन और डी, डी का मान माइनस 5/2 है, ठीक ना। इसको अंदर पक्षांतर करेंगे तो जाएगा माइनस 47 माइनस 18 बराबर एन माइनस 1 और ये हो जाएगा ये 5/2 है, तो इसको लिख लेंगे, इसको जोड़ लेते हैं 7, 8, 15 हासिल 1, 4, 5, 1, 6 माइनस। अब जब इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो जो माइनस 5/2 है तो यहाँ हो जाएगा 2/-5, ठीक ना। ये एन माइनस वन, तो ये माइनस माइनस कट गया, 5 एक कम और ये 13 बाद में कट जाएगा, तो ये हो जाएगा एन, तो देखिए ये हो जाएगा 13 × 26, तो हो जाएगा एन माइनस वन बराबर 26, वन उधर पक्षांतर होगा तो कुल पद 27 आ जाएगा, तो 26 + 1 बराबर ये 27 प्राप्त हो गया, ठीक ना। तो एन का मान 27 प्राप्त हो गया। तो यह इस वाले एपी में कुल पदों की संख्या 27 है। इस प्रकार प्रश्न में 5 के दोनों भाग हो गए।